हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टोन लर्निंग एनिमेशन चैनल में। आज की ट्यूटोरियल क्लास में बताऊंगा कि आप कैसे गूगल का वॉल साइकिल क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग के साथ मुझसे पर्सनली फुल एनिमेशन स्टोरी बनाना सीखना चाहते हैं, अगर आप YouTube पे खुद की एनिमेशन स्टोरी बनाकर अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप लाइव एनिमेशन ट्रेनिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको हर तरह की एनिमेशन स्टोरी बनाना सिखाया जाएगा, चाहे ह्यूमन एनिमेशन हो, गॉड एनिमेशन हो, हॉरर एनिमेशन हो या स्पूफ एनिमेशन हो। यह सीखने के बाद आप खुद का एक अच्छा एनिमेशन स्टोरी या वीडियो क्रिएट कर पाएंगे। इसमें 20 डेज की ट्रेनिंग क्लासेस होगी जो 2 मंथ में कंप्लीट होगी। इसे गूगल मीट पर लाइव सिखाया जाएगा जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होगी। अगर आप एनिमेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, वहाँ से आप अपनी एनिमेशन वीडियोस के लिए फ्री एसेट्स जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, कैरेक्टर्स एंड मोर थिंग्स का लाभ उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज हम वुमेन का वॉल साइकिल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक वुमेन का कैरेक्टर ले रखा है जो फुल रिग्ड है। इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर इसके सभी पार्ट्स बने हुए हैं। नॉर्मली जो वॉल साइकिल होते हैं, जैसे कि जो मेंस के या बॉयज के जो वॉल साइकिल होते हैं, उसमें सिर्फ लेग्स को क्रॉस वाइज करते हैं। लेकिन जो वुमेन की वॉल साइकिल होते हैं, स्पेशली इंडियन वुमेन्स जो साड़ी पहनती हैं, उनकी वॉल साइकिल काफ़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि उनकी वॉल साइकिल में हमें उनकी जो साड़ी होती है उनको भी मूव करना पड़ता है। और मूव करने के लिए आपको या तो स्केचिंग आनी चाहिए या फिर आप शेप ट्यून का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्केचिंग आती है तो आप बहुत ही अच्छे से उसकी डिटेलिंग के साथ उसकी साड़ी को वॉल के साथ मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्केचिंग नहीं आती तो आप एनिमेट सीसी में शेप ट्यून की हेल्प से उसकी साड़ी का एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस कैरेक्टर की वॉल साइकिल के लिए इसके 2 पार्ट कर रखे हैं। जैसे कि इसका ये अलग पार्ट कर रखा है, इसको मैंने एक सिंबल बना रखा है। इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर इन तीनों को मैंने अलग अलग सिंबल्स क्रिएट कर रखा है। इसको मैंने अलग अलग सिंबल्स इसलिए क्रिएट कर रखा है क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ क्लासिक ट्यून का ही यूज करना है, शेप ट्यून का यूज नहीं करना। इसके बैक जाते हैं, फिर इसके अंदर जाते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे हमें शेप ट्यून का यूज करना है। शेप ट्यून का यूज करने के लिए मैंने इसको पूरा ब्रेक कर रखा है और ये जो शेप है पूरी लाइन से क्रिएट कर रखी है। यहाँ पर हम मूव करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है। ये जो पूरा सा ऑब्जेक्ट है ये पूरी एक लाइन से क्रिएट है। अगर आप लाइन से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और आप उस पर शेप ट्यून का यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छे से उसका जो शेप है वो चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सी इस पे लाइंस क्रिएट हुई हैं, जैसे कि ऊपर से आ रही है, यहाँ पर ये कर्व हो रही है, फिर यहाँ से नीचे जा रही है और यहाँ पर भी ये कर्व होकर इधर की तरफ जा रही है। यहाँ पे भी बहुत सी लाइंस क्रिएट हुई हैं। इसको कर्व करने के लिए और स्मूथ दिखाने के लिए यहाँ पर ये लाइंस क्रिएट कर रखी हैं। सबसे पहले तो हम इसका जो वॉल साइकिल होगा, यानी कि जो लेग का वॉल साइकिल होगा, उसको क्रिएट करेंगे। तब हम इसकी जो साइकिल होगी उसको लेग के हिसाब से चेंज करेंगे और शेप ट्यून लगाएंगे। इसके बैक जाते हैं, यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके लेग को एनिमेशन दूंगा। तो पहले मुझे इसके लेग को क्रॉसवाइज करना होगा। मैं इसके लेग को दिखाता हूँ कि मैंने इसके लेग को कितना बनाया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसके जो लेग है बस इतना सा ही बनाया है। यहाँ पर देखते हैं तो ये भी जो लेग है बस इतना सा ही बनाया है, क्योंकि ये साड़ी के पीछे रहेंगे तो पूरे लेग को बनाने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसके जो लेग्स हैं उनको पीछे कर दूंगा। यहाँ पर पहले वॉल साइकिल के लिए लाइंस क्रिएट करेंगे। मैं एक लेयर लेता हूँ, लाइन टू लूंगा, लाइन टू से यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा। ये जो लाइन होगी इसके लेग्स के नीचे तक होनी चाहिए और इधर भी मैं इसको कॉपी करके रख देता हूँ। दोनों को सेलेक्ट करके इनका जो शेप है यहाँ से बढ़ा देता हूँ, फिर इस पर लॉक लगा दूंगा और इसको मैं सबसे नीचे रख लेता हूँ। इसका नाम मैं रख दूंगा लाइन्स। अब इसके जो लेग्स होंगे उनको हम पीछे करेंगे। ट्रांजिट टूल लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको कर लेंगे पीछे की तरफ रोटेट, फिर इसको हम पीछे रखेंगे। ये जो लाइन होगी इससे हमें ऊपर रखना है तो हम इसे ऊपर रख लेते हैं। इसे भी हम आगे करते हैं और इसे भी रोटेट करेंगे सिर्फ आगे की तरफ, क्योंकि ये वाला लेग आगे की तरफ जाएगा और ये वाला लेग पीछे की तरफ। इसको और आगे करते हैं, थोड़े से आगे की तरफ कर देते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों की जो फ्रेम्स होंगी उनको मैं यहाँ पर लास्ट में कीस लगा दूंगा। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं दोनों की फ्रेम्स को और कर देते हैं F6। फिर यहाँ पर 10 वाली फ्रेम पर आते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं F6। दोनों पर हमने F6 लगा दिया है, तीनों फ्रेम पर हमने F6 लगा दिया है। जो बीच वाली की होगी उस पर हमें इसको क्रॉस करेंगे। जैसे अभी यहाँ पर पोज बना है उससे हम इसको अपोजिट करेंगे। सेलेक्ट करते हैं, इसको इस तरीके से रोटेट कर लेते हैं, फिर इसको रखते हैं पीछे की तरफ, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको कर लेते हैं आगे की तरफ, फिर इसको रखते हैं हम यहाँ पर।
फिर यहां लगा देंगे क्रिएट क्लासेट्री यानी कि क्लासेट्री। यहां प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहां पर प्ले करेंगे। सेव ये वैसी वॉल साइकिल है जैसे आप नॉर्मली बॉयज की क्रिएट करते हैं। यहाँ पे बस हमें जो लेग्स की वॉल साइकिल होती है वो तो सेम रखनी होती है। फिर यहाँ पर लगाते हैं F6। इस पर हम उस लेग को ऊपर करेंगे जो आगे की तरफ जाएगा, यानी कि फर्स्ट फ्रेम से आगे हम प्ले करेंगे और जो लेग आगे की तरफ जाएगा उसको हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से देखते हैं प्ले करके, तो ये वाला जो लेग है वो आगे की तरफ जा रहा है, इसको हम ऊपर की तरफ करेंगे। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं, इसकी लेयर ये वाली है, इसके की को सेलेक्ट करेंगे, फिर इसे कर लेंगे ऊपर की तरफ। फिर यहाँ पर लगाते हैं 15 पर की। अब यहाँ पर 10 से प्ले करके देखते हैं, तो ये वाला लेग आगे की तरफ जा रहा है, तो इसके की को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, फिर इसको भी कर लेंगे ऊपर की तरफ रोटेट। अब यहाँ पर प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से जो अपनी लैग होगी उसको उठा के ले जाएगी। यहाँ पे ये जो लैग है वो ठीक से नीचे टच नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हम इसको टच कर देते हैं लाइन पे, हर एक की पर हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी इसको दो बार नीचे कर लेते हैं, इसको हमें ऊपर रखना है तो यहां से इसे ऊपर रख लेंगे। यहां पर इसे ऐसे ही रहने देते हैं। इस वाली की पे जाते हैं तो इसको भी हम नीचे की तरफ करेंगे। ये वाला जो लैग है इसको हम आगे की तरफ यहां पे नीचे रख देते हैं। यहां प्ले करते हैं तो यहां पर ये कुछ इस तरीके से प्ले करेगा। इस वाली की पर भी हम इसको नीचे रखेंगे और लास्ट वाली की पर भी हम इसको नीचे रखेंगे। फर्स्ट और लास्ट दोनों ही की सेम होनी चाहिए, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे करना होगा, या फिर हम इसी की को ऑल्ट के साथ उठाकर यहां पे रख सकते हैं। फिर यहां पर प्ले करेंगे तो ये ठीक से पहले से बेटर यहां पर प्ले करेगा। अब हम ये जो वुमेन की साड़ी है उसमें भी हम एनिमेशन करेंगे। जितनी कीस हमने यहां पे लगाई है उतनी कीस हमें इसके अंदर भी लगानी होगी। पहले यहां पर हम प्ले करके देखते हैं, तो ये काफी फास्ट है तो हम इसको स्लो कर देते हैं। स्लो करने के लिए बस आपको जो इसकी फ्रेम्स होंगी उनको बढ़ाना होगा। यहां प्ले करते हैं तो ये पहले से स्लो है, इधर से हम एक और बार इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब हम यहां पर देखते हैं कि इसकी जो कीस है कौन सी फ्रेम्स पर है। यहां पर फर्स्ट पर ये कीस है, 9th पर ये कीस है, 17 पर ये कीस है, 25 पर ये कीस है और 33 पर ये कीस है। तो इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे जो इसकी फ्रेम्स हैं वो हमें बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे हम 30 फ्रेम तक इसकी फ्रेम बढ़ा देते हैं क्योंकि बाहर भी 33 फ्रेम तक इसकी जो फ्रेम्स हैं वो बढ़ी हुई हैं। फिर यहाँ पर हम इसकी जो साड़ी होगी इसके लेग के हिसाब से मैच कर देंगे। यहाँ पे इसे ऊपर रखते हैं, थोड़ा सा इसे नीचे कर लेंगे, यहाँ पर इसको पीछे की तरफ कर्व कर लेते हैं ताकि ये जो लेग है वो पूरा इस साड़ी के पीछे हाइड हो जाए। इस शेप को यहाँ पे रख लेंगे, फिर इसे ले जाते हैं यहाँ पर, फिर इसे ऊपर की तरफ कर्व कर देंगे ताकि यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि ये जो लेग है फैल रहे हैं, तो इसकी जो साड़ी होगी वो भी फैलनी चाहिए। तो इधर भी हम इसको नीचे कर देंगे, थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं और यहाँ से भी इसको ऊपर कर देंगे। अब यहाँ लगाते हैं लास्ट में F6, फिर हम बीच में लगाएंगे। बैक जाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं बीच वाली की कौन सी है। तो बीच वाली की जो लगी है वो 17 पर लगी है, तो इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे 17 पर कीस लगाते हैं, फिर इसे रखेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पे ऊपर रख लेते हैं और इसे भी यहाँ पे रख लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कर देते हैं। फिर यहाँ पर लगा देंगे शेप ट्विन, यहाँ प्ले करते हैं, यहाँ देखते हैं तो शेप जो है अच्छे से कर्व कर रही है। फिर हम बीच में की लगाएंगे, यहाँ पर देखते हैं कौन सी पर यहाँ पर की लगी है, लगी है 9 पर और लगी है 25 पर। तो इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर 9 पे लगाते हैं की, फिर लगाते हैं 25 पर। अब हम यहाँ पर बैक जाते हैं, फिर से 9 वाली फ्रेम पे जाके देखते हैं। 9 वाली फ्रेम पर ये जो लैग है कुछ इस तरीके से शेप बनी हुई है, फिर इसके अंदर जाते हैं, 9 वाली फ्रेम पर इसको हम ऊपर करेंगे, यहाँ पर इसे रख देते हैं, इसको ऊपर की तरफ कर्व करेंगे, यहाँ से भी इसको ऊपर की तरफ कर्व कर लेते हैं। थोड़ा सा इसे क्या करना होगा कि ये जो साड़ी है अब वो इकट्ठी हो रही है, तो हमें इनको नीचे की तरफ ज़्यादा करना होगा। पहले हम इधर इसको कर्व कर लेते हैं इस तरीके से, यहाँ से भी इसको नीचे की तरफ लाएंगे क्योंकि जो लैग है आगे वाला वो अंदर की तरफ जा रहा है। यहाँ से इसको और ढीला कर देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि पीछे का लैग ऊपर की तरफ मुड़ा है और ये वाला लैग अंदर की तरफ जा रहा है, तो साड़ी भी ये अंदर की तरफ जाएगी। अब यहाँ प्ले करते हैं,
जैसे हम यहाँ पर प्ले करेंगे तो इसकी जो शेप है बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी, यानी कि जो इसका शेप ट्यून है पूरी तरीके से बेकार चला जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी लाइंस है और जो वो लाइंस थी वो एक दूसरे को मैनेज नहीं कर पाई, यानी कि वो एक दूसरे को लेकर साथ नहीं चल पाई, जिसकी वजह से जो इसका शेप है वो पूरी तरीके से बिगड़ गया। अगर हम यहाँ से भी चेंज करेंगे 25 फ्रेम से, यहाँ पे जाते इसका लैग यहाँ पर है, फिर इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे 25 फ्रेम पर इसके लैग के हिसाब से यहाँ पे साड़ी को रखेंगे, इसको पीछे की तरफ कर्व करते हैं, थोड़ा सा इसे पीछे की तरफ निकालना होगा, यहाँ पर इसको कर देंगे पीछे की तरफ और इधर नीचे की तरफ इसे कर देंगे, इसे भी पीछे की तरफ कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो लैग है वो पीछे जा रहा है, यहाँ पर इसे अच्छे से मैच कर देंगे। अब हम यहाँ पर प्ले करते हैं, थोड़ा सा इधर नीचे करना होगा, अब यहाँ पर प्ले करेंगे तो ये बहुत ही बुरी तरीके से इसका जो एनिमेशन है वो हो रहा है, जो हमारी शेप ट्यून थी वो पूरी तरीके से बेकार हो गई क्योंकि इसमें लाइंस काफ़ी ज़्यादा थी और जो उसका शेप था काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा था। तो अगर आप इस तरीके से जो वुमेन की साड़ी की वॉल साइकिल होती है वो क्रिएट करेंगे तो नहीं हो पाएगी। इसके लिए आपको एक ट्रिक को यूज़ करना पड़ेगा। ट्रिक क्या है कि आपको जो लाइंस हैं जिसके अंदर आपको शेप ट्यून देना है उनको अलग अलग रखना होगा। तो पहले मैं इनको नॉर्मल कर देता हूँ, यहाँ पे जो इसकी कीज हैं उन सभी को मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे इसका जो शेप ट्यून है वो भी मैं रिमूव कर दूंगा। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, जो इसका आधा पार्ट होगा उसको हम कट कर लेंगे, यहाँ पे जो ये नीचे का पार्ट है उनको हम कट कर लेंगे ताकि हम उसे अलग से एनिमेशन कर सकें। तो जो नीचे की लाइंस होगी उनको मैं कॉपी कर लूंगा, ये जो लाइंस होंगी और ये जो नीचे की लाइंस होंगी उनको मैं कॉपी कर लूंगा, लेकिन इसको मैं अलग लेयर पे बना लेता हूँ। यहाँ पर एक अलग लेयर ले लेंगे, लाइन टू ले लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, सेम ऐसी शेप बनाएंगे जैसी ये पीछे वाली है, इसको यहाँ पर कर्व कर लेते हैं, फिर यहाँ से इसको मैच कर देंगे, फिर यहाँ से भी इसको कर्व कर देते हैं। यहाँ पर हम थ्री लाइन्स क्रिएट करेंगे, एक इधर की तरफ के लिए, एक सीधी और एक ऊपर की तरफ, यहाँ से इसको कर्व कर लेते हैं, यहाँ से भी इसको कर्व कर लेंगे और यहाँ से भी इसको कर्व कर लेंगे। ये जो नीचे की लाइंस होंगी उनको हमें अलग रखना होगा, तो हम इन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं और कट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर एक लेयर लेंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे, फिर इन्हें कर देते हैं ब्रेक, जो नीचे के शेप्स हैं उनको हाइड कर देते हैं। अब ये जो लाइंस हैं इनको हम बंद कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके इसको पूरा क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर लेग्स मूव कर रहे हैं वैसे ये जो साड़ी के पार्ट्स होंगे वो भी मूव करने चाहिए। तो फर्स्ट की पे जाते हैं यहाँ पर, फिर इसके अंदर जाते हैं, ये अभी हाइड है, सिर्फ हम इसमें एनिमेशन करेंगे, यहाँ पर तो ये दोनों मैच हो रही हैं। फिर यहाँ पर लगा देते हैं F6, फिर बीच में जाते हैं यहाँ पर 17 फ्रेम पर, यहाँ लगा देंगे F6, फिर बैक जाते हैं यहाँ बीच में जाकर, फिर इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर हम जो इसकी लाइंस हैं इसके शेप के हिसाब से रखेंगे। तो इसको हम आगे करते हैं, यहाँ पर इसको मोड़ देते हैं, यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ मोड़ देते हैं और इसको अंदर कर लेते हैं, फिर यहाँ पर लगा देंगे शेप ट्वीन, राइट क्लिक, फिर यहाँ पर शेप ट्वीन। अब यहाँ प्ले करते हैं तो नॉर्मली वैसा ही एनिमेशन करेगा जैसे वो एक साथ थे। फिर यहाँ पर बैक जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं 9 फ्रेम पर, फिर इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे F6। F6 लगाने के बाद जैसे यहाँ पर जो इसका लैग ऊपर जा रहा है तो इसको भी हम ऊपर की तरफ यहाँ पे रखेंगे, इसे कर लेते हैं पीछे की तरफ इस तरीके से, फिर इस वाली लाइन को भी यहाँ पर मैच कर देंगे, यहाँ पर इसको ऊपर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 लाइंस हैं तो इनको भी हमें मैनेज करना पड़ेगा। अब ये जो शेप है वो इकट्ठी हो रही है, यानी कि जब ये लैग ऊपर जाएगा तो मतलब कि जो साड़ी होगी वो यहाँ से इकट्ठी होगी, तो हम यहाँ से इनको मोड़ के रखेंगे, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं, फिर इसको यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ पर इसको भी रख देंगे क्योंकि लैग इधर भी ये अंदर की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा इसे बाहर निकालते हैं और इसे ऊपर कर लेते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं प्ले करके तो ये परफेक्ट अच्छे से यहाँ पर मैच होकर प्ले हो रहा है। अब फिर बैक जाते हैं, इस वाली की पर हम जाकर इसके अंदर जाएंगे, फिर 25 पर की लगा देते हैं क्योंकि हम 25 की से ही होकर इसके अंदर आए हैं, तो सेम जैसे हमने यहाँ पर किया था वैसे हमें यहाँ पर भी करना है। इसकी लाइन को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ले जाते हैं, इसको कर लेंगे नीचे की तरफ कर्व,
फिर इसकी लाइन को यहाँ पर मैच कर देंगे, इसे ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से भी इसको ऊपर कर लेंगे, थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ कर्व कर देते हैं क्योंकि ये इकट्ठे हो रहे हैं तो यहाँ पर ये कर्व होने चाहिए। इसे ऊपर करते हैं यहाँ पर और इसे नीचे की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर अच्छे से मैच करने के बाद इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालेंगे, यहाँ पर भी देखते हैं तो इधर भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेते हैं, यहाँ प्ले करेंगे और यहाँ पर प्ले करेंगे तो ये अच्छे से यहाँ पर प्ले हो रहे हैं। अब हमें इनमें कलर देना होगा, लेकिन कलर देने के लिए पहले हमें इन दोनों को एक साथ लाना पड़ेगा क्योंकि ये जो नीचे की लाइंस हैं ये वाली ये अलग लेयर पर है और जो ऊपर की ये जो लाइंस हैं वो अलग लेयर पर है। हमने जो इसका वॉल साइकिल है, जो वुमन का साड़ी का वॉल साइकिल है, वो आधा क्रिएट कर लिया है। अभी हम इसमें कलर फिल करेंगे तो वो पूरा एनिमेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम इसको कलर अलग लेयर पर रखकर नहीं कर सकते, उन दोनों को हमें एक साथ एक ही लेयर पे लाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को एक साथ एक ही लेयर पे लाएंगे तो जो हमारा एनिमेशन है वो पूरा बिगड़ जाएगा। इससे पहले कि अगर हम इसमें कलर लेकर आए तो जो ऊपर का पार्ट है उसमें भी हम एनिमेशन दे देंगे। इसको अनहाइड करते हैं, यहाँ पे ये नीचे का पार्ट दिख रहा है, इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा, तो इनको हम हाइड कर लेते हैं जो हमने यहाँ पर बनाया था। नीचे का जो भी जितना ये पार्ट होगा उनको डिलीट कर देंगे। यहाँ पर हम लॉक लगाते हैं और इनको अनहाइड करते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक बनना था तो हम इतना ही इसको डिलीट करेंगे। यहाँ पे ये कलर भी डिलीट हो रहा है तो इसको थोड़ा सा ठीक से मैच करके डिलीट करना पड़ेगा। इसकी इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से इस पर लॉक लगा देते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर उस लाइन को पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर इसको ठीक से मैच कर देते हैं, यहाँ पर भी इसको ठीक से मैच कर देते हैं। फिर नीचे की शेप को सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, फिर इस लाइन को भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब यहाँ देखते हैं कि ये नीचे वाला तो परफेक्ट अच्छे से एनिमेशन दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा और चेंज करते हैं। जैसे कि ये नीचे की तरफ जाते हैं, यानी कि जब ये ऐसा शेप देता है तो यहाँ से भी ये खुलना चाहिए, तो इस पर अनलॉक करते हैं और इसे कर देते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पर देखते हैं प्ले करके तो ये अच्छे से यहाँ पर प्ले कर रहा है। यहाँ पर इसको भी ये पीछे की तरफ होना चाहिए, यानी कि इसमें भी एनिमेशन होना चाहिए, तो हम यहाँ पर भी की लगाते हैं, बीच वाली पे की लगाएंगे, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ करते हैं, फिर इसको भी हम ऊपर की तरफ करेंगे। ये जो यहाँ पर फूल जैसे बने हैं यहाँ पर बने हैं तो इनको मैं हाइड कर लेता हूँ ताकि ये जो शेप है वो अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे ये जो शेप है ठीक से यहाँ पर मैच नहीं है तो मैं ठीक से मैच करके यहाँ पे रख लेता हूँ। फिर यहाँ पर इसको थोड़ा सा पीछे निकालूंगा तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। फिर इसको मैं सेलेक्ट करके ये जो शेप होगी इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब यहाँ पर शेप ट्री लगाते हैं और प्ले करते हैं तो जो इसका शेप होगा, जो ऊपर वाली ये जो शेप है उसका शेप पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा क्योंकि इसकी जो लाइन्स थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी, तो मतलब हमें ये जो शेप होगा वो फिर से लाइन से बनाना पड़ेगा। अगर आप एनिमेशन करते हैं शेप ट्यून का तो जो शेप होनी चाहिए वो लाइन टू से ही बननी चाहिए ताकि वो अच्छे से एनिमेशन दे पाए। इसको हम रिमूव करते हैं और इसकी जो कीस होंगी उनको रिमूव कर देंगे। फिर यहाँ पर लाइन टूल से इस शेप को बनाते हैं। यहाँ पर एक लेयर लेते हैं, लाइन टूल लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ, फिर इसको कर्व कर लेंगे, इधर से भी इसको कर्व कर लेते हैं, इधर से भी इसको नीचे की तरफ कर्व कर लेते हैं, फिर जो नीचे की लेयर है उसको डिलीट कर देते हैं, इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं। फिर यहाँ पर की लगाएंगे, फिर यहाँ पर लगाते हैं की, फिर इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा सा इसे पीछे की तरफ कर लेते हैं, फिर यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ले जाते हैं। यहाँ पे ये जो शेप है थोड़ी सी अंदर की तरफ जाती हुई दिख रही है तो हमें इसको अंदर की तरफ ऐसे करना पड़ेगा ताकि ये परफेक्ट अच्छे से मैच हो सके। यहाँ पर लगाएंगे शेप ट्वीन, फिर यहाँ प्ले करके देखते हैं तो ये ऊपर और नीचे दोनों ही अच्छे से मैच कर रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लगाते हैं F6, फिर इस वाले की पर जाएंगे, यहाँ पर भी ये थोड़ी सी पीछे होनी चाहिए और इधर भी ये आगे की तरफ होनी चाहिए तो इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं आगे।
फिर इसकी इस लाइन को भी सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको कर देंगे आगे, फिर लगा देते हैं यहाँ पर शेप ट्वीन और यहाँ पर प्ले करते हैं तो ये यहाँ पर भी अच्छे से मैच करेगी। थोड़ी सी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि इस वाले की पर ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको मैच करना पड़ेगा, इसे और ऊपर करते हैं, तो इसे इतना ही रखते हैं। अब हम इसमें जो कलर होगा वो फिल करना पड़ेगा। हमने इसका एनिमेशन पूरी तरीके से और अच्छे से कर लिया है, इसके थोड़ा बैक जाकर देखते हैं कि किस तरीके से ये प्ले कर रहा है। यहाँ पर प्ले करते हैं तो सेम लेग के साथ इसकी जो साड़ी है वो मूव कर रही है। अब हम इसमें कलर फिल करेंगे, लेकिन जब हम इसमें कलर फिल करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सब अलग अलग लेयर्स पे बने हुए हैं, तो हमें इन तीनों लेयर्स को मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज का मतलब कि हमें इन तीनों को एक ही लेयर्स पे लाना पड़ेगा। तो हम इन तीनों लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट के साथ, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर है मर्ज लेयर। ये जो मर्ज लेयर होता है वो कई लेयर्स को एक ही लेयर में कन्वर्ट कर देता है और की बाय की उनको सेट कर देता है अगर उसमें एनिमेशन हो तो। अगर आप एनिमेशन इतना ही रखना चाहते हैं, यानी जो उसकी वॉल साइकिल की स्पीड है इतनी ही रखनी चाहते हैं, तो आप उस मर्ज का यूज़ करें, क्योंकि मर्ज का यूज़ करने के बाद ये सभी जो एनिमेशन होगा उन सभी पर कीस लग जाएगी। जैसे मैं इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ मर्ज लेयर। जैसे ही मैंने मर्ज लेयर्स करा तो ये तीनों की जो लेयर्स होंगी वो एक साथ एक ही लेयर पर आ जाएंगी और की बाय की यहाँ पर सेट हो जाएंगी। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये एक ग्रुप में भी आ जाएगी, तो हमें हर बार इनको ब्रेक करके इसमें कलर देना होगा। अगर आप इस तरीके से स्मूथ एनिमेशन करना चाहते हैं और आप शेप ट्यून से परेशान हो गए हैं, तो आप इस तरीके से इसका जो अच्छा सा एनिमेशन है वो क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो साड़ी का आप एनिमेशन क्रिएट कर लेते हैं तो इस साड़ी के एनिमेशन को आप हर एक वुमन की साड़ी की वॉल साइकिल में सेट कर सकते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ साड़ी, फिर इसका जो कलर था वो यहाँ से पिक कर लूँगा। बैक जाते हैं, यहाँ से इस कलर को पिक कर लेते हैं, फिर इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पे कलर फिल नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर गैप है, तो हमें उस गैप को यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो वो गैप हो चुका है और कलर भी फिल हो चुका है। अब ये पूरे में यहाँ पर रेड कलर आ चुका है। अब हम नेक्स्ट की पे जाते हैं, यहाँ पर भी हम कलर को फिल करेंगे। यहाँ पर पहले तो इनको अनग्रुप करना पड़ेगा यानी कि ब्रेक, फिर इनमें कलर को फिल करना पड़ेगा। जो बीच का स्ट्रोक होगा उसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर सभी में मैं ऐसा ही कर देता हूँ, यानी कि ब्रेक कर करके उनमें कलर को डाल देता हूँ। अब ये होने के बाद मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर है डुप्लीकेट लेयर्स, फिर इसको मैं ऊपर की तरफ रख देता हूँ। यहाँ पर आप पहले ये देखिए, इस मास्क को मैं हटा देता हूँ, इनको मैं हाइड कर दूंगा, और ये जो चीज़ें रखी हैं इनको एनिमेशन देने के लिए, यानी कि जो साड़ी के साथ ये दिखती रहे उसके लिए मैंने इन स्टार्स को यहाँ पर रखा है। जो फूल जैसे ये जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पर मैंने अलग लेयर पर रखा है और काफ़ी ज़्यादा इधर उधर फैला दिया है ताकि ये वॉल साइकिल करे तो सिर्फ ये इसी के अंदर नजर आए। तो मैं यहाँ पर इस वाले मास्क को हटा देता हूँ और इसको मैं नया मास्क बना दूंगा, राइट क्लिक और इसे मास्क। अब इसे देखेंगे, पहले से अनहाइड कर देते हैं और यहाँ पर अब बैक जाकर इसको प्ले करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसके जो लेग है उसके साथ इसकी जो साड़ी है वो मैच होकर वॉल साइकिल कर रही है। अब इसका ये वाला जो पार्ट है उसमें भी एनिमेशन कर देते हैं। तो हम इसके अंदर जाएंगे, इसमें भी हमें उतनी कीस लगानी है जितनी यहाँ पर हमने कीस लगाई हैं, यानी कि 1 से लेकर 33 तक, 17 तक, 9 तक और 25 तक। तो इसके अंदर जाते हैं, पहले हम यहाँ पर इसकी जो फ्रेम है वो 33 तक बढ़ा देते हैं, फिर यहाँ पर जैसे इसकी सारी शेप दे रही है वैसे हम इसको शेप भी देंगे। तो बैक जाते हैं, फर्स्ट फ्रेम पर जाते हैं, यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ कर लेंगे। तो ट्रांजिट टूल सेलेक्ट करते हैं,
इसको करते हैं इस तरफ, हल्का सा ही इस तरफ करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। फिर इसको भी हम इस तरफ कर लेंगे और इसको थोड़ा सा ही पीछे की तरफ करेंगे। यहाँ पर इसको स्ट्रेच भी करना पड़ेगा, तो तीनों को सेलेक्ट करते हैं, ऑल्ट के साथ इसे ऊपर कर लेंगे, यहाँ से इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको यहाँ पे। जब ये वाला लेग पीछे की तरफ जाएगा तो ये जो साड़ी होगी वो भी थोड़ी सी पीछे जाएगी। इधर भी इसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर लेते हैं, क्योंकि इधर से ये जो लेग है वो ऊपर जा रहा है, यहाँ से भी इसको नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अब यहाँ पे लगाते हैं डबल टैप, फिर F6, फिर यहाँ पर बीच में आते हैं 17 फ्रेम पर, यहाँ पे भी डबल टैप, फिर F6, बैक जाते हैं, इस वाली की पे जाते हैं, तो यहाँ पर ये सेम ही बना रहेगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा। यहाँ पे बस क्रिएट क्लास ट्यून लगाना है, बैक जाना है, फिर यहाँ पर 9th फ्रेम पर जाते हैं, फिर इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे हम 9th फ्रेम पर डबल टैप करते हैं, फिर F6 लगा देते हैं। इसको हम ऊपर करेंगे, तीनों को सेलेक्ट करते हैं, ऑल्ट के साथ इसे ऊपर कर लेंगे, यहाँ पर इन्हें अच्छे से मैच करके रखना है। इसको अंदर की तरफ करते हैं, इसको भी अंदर की तरफ करके ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर लेंगे। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे और ऑल्ट के साथ इसे भी ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से भी ऑल्ट के साथ इसे नीचे कर लेते हैं और यहाँ से भी। फिर बैक जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं, इसको हम लूपिंग पे कर देते हैं, यहाँ पे लूप कर देते हैं और यहाँ पर प्ले करके देखते हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर ये अलग जा रहा है, तो हम इसको भी ठीक से सेट करेंगे। इसके अंदर जाते हैं, इस वाले की पर इसको और आगे कर देते हैं, यहाँ पे आगे की तरफ कर देंगे रोटेट और इसको ऑल्ट के साथ नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। बैक जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर अभी एनिमेशन दे रहा है। अब हम 20th फ्रेम पर इसके अंदर जाते हैं, यानी 20 कीज पर हम इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर करते हैं डबल टैप, फिर F6। इसको भी हम सेम इसकी तरह यहाँ पर मैच कर देंगे जैसे हमने यहाँ पर रखा है, तो इसी की को हम यहाँ पर ऑल्ट के साथ उठा के ला देते हैं और फिर यहाँ पर इसको सेट करते हैं। इसको करेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पर इसको अंदर की तरफ कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं, इधर ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और थोड़ा सा नीचे की तरफ और कर देते हैं। इसको भी अंदर की तरफ रोटेट करेंगे और ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर देते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो ये इस तरफ ये अंदर की तरफ जा रही हैं। इधर भी हम इसको और अंदर कर देते हैं ताकि जो साड़ी होगी यहाँ पर 5th 9th फ्रेम पर, तो इनको भी और अंदर करेंगे, यहाँ पे अंदर की तरफ कर्व करते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं, इसको ही ऐसे छोड़ देते हैं, इसको कर लेते हैं अंदर की तरफ और इसको ऑल्ट के साथ ऊपर। यहाँ पर अब प्ले करके देखते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन देगा, जिसके लैग और साड़ी होगी वो भी साथ में मूव करेगी। अब हम जो इसकी बॉडी होगी उसको भी इसके लैग वॉल साइकिल के साथ एनिमेशन देंगे, तो यहाँ पर पहले तो इसके जो हैंड्स होंगे उनको लैग से अपोजिट करना है। हम इसके हैंड को आगे की तरफ करेंगे, क्योंकि जो इसका सीधा वाला लेग है वो पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसका सीधा वाला हैंड आगे की तरफ जाएगा, यानी कि वो अपने सीधे लेग के अपोजिट जाएगा। फिर ये वाला जो हैंड होगा ये अपने सीधे हैंड के अपोजिट जाएगा, यानी पीछे। फिर यहाँ पे डबल टैप करते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं F6, फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर भी लगा देते हैं डबल टैप, फिर F6। इसको हम पीछे करते हैं और जो पीछे वाला हैंड है उसको आगे की तरफ करते हैं, इसको थोड़ा और पीछे करते हैं। अब हम यहाँ पर क्लासिक ट्विन लगा देते हैं, तो सब पे लगा देंगे क्लासिक ट्विन, फिर यहाँ पर डबल टैप और F6 कर देंगे। जो नीचे की कीज हैं यहाँ पर इस लाइन को हटा देते हैं, क्योंकि अब इसका जो काम है वो हो गया है। यहाँ प्ले करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से अभी एनिमेशन देंगे, थोड़ा सा यहाँ पर और प्ले करके देखते हैं, तो इतना ये प्ले हो रहा है। इस वाली की पर इसका ये वाला जो साड़ी का पार्ट होगा इसको हम थोड़ा सा पीछे की तरफ करेंगे, इस तरफ भी हम थोड़ा सा पीछे की तरफ करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो ये ज़्यादा ही आगे जा रहा है, तो थोड़ा सा आगे और कर देते हैं। इधर भी इसको थोड़ा सा और आगे कर देते हैं, इस वाले कीपर देखते हैं, और तो इसके जो हैंड होंगे उसको हम नीचे की तरफ करेंगे, जो इसका हैड होगा उसको नीचे की तरफ यहाँ पर कर देते हैं, यानी कि नीचे की तरफ हल्का सा रोटेट कर देते हैं,
सेम इस वाले कीपर भी हम इसको उतना ही रोटेट करेंगे जितना हमने इस वाले कीपर किया था। तो इसको पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं और नीचे की तरफ रोटेट करते हैं, यहाँ प्ले करके देखते हैं, यहाँ ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। अब जो इसकी बॉडी होगी नाइन्थ वाली कीपर ही थोड़ी सी ऊपर की तरफ करेंगे। अब जो लैग नीचे की तरफ टच हो रहा है सिवाय उसके पूरी बॉडी को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसकी शेडो भी सेलेक्ट हो रही है तो इसको लॉक लगा देते हैं। इसके इस वाले लैग को अनसेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ ऊपर की तरफ इसकी बॉडी को कर लेते हैं। ज़्यादा ऊपर हो रही है तो इसे जूम करके ऊपर करते हैं, थोड़ी सी कम होगी, और इसे एरो के साथ थोड़ा और ऊपर कर देंगे। फिर इधर आते हैं, जितना हमने यहाँ पर ऊपर किया था उतने हम यहाँ पर भी करेंगे। कंट्रोल ए करते हैं सिवाय इसके, अनसेलेक्ट कर देते हैं इसको। शिफ्ट के साथ इसे पहले एक बार ऊपर करेंगे, फिर तीन बार एरो के साथ इसे ऊपर कर देता हूँ। अब यहाँ पर इसको प्ले करके देखते हैं। अब जो इसका एनिमेशन है बहुत ही अच्छे से, जो इसकी साड़ी है उसके साथ मूव करते हुए इसकी वॉल साइकिल क्रिएट हो रही है। अभी इसमें एक और एनिमेशन करना है इसके हैंड के अंदर। जैसे ये जो हैंड है वो आगे की तरफ होगा तो ये मुड़ना चाहिए, तो जितनी कीस हमने यहाँ पे लगाई है उतनी कीस हमें इसके हैंड के अंदर भी लगानी पड़ेगी। तो इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे 33 पर F6 करते हैं, फिर करते हैं 17 फ्रेम पर, फिर यहाँ पे करेंगे 9 फ्रेम पर, और फिर करेंगे 25 फ्रेम पर। इसको फर्स्ट की से ही ऊपर रखेंगे। जब हम इसको यहाँ से ऊपर रखेंगे यानी कि फर्स्ट की पर, तो लास्ट वाली की पर भी वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑल्ट के साथ उठाकर यहाँ पे रख देते हैं, फिर यहाँ लगा देते हैं क्रिएट क्लासिक ट्विन। यहाँ पर भी लगा देंगे क्रिएट क्लासिक ट्विन, इसे हम पूरे पे ही लगा देते हैं क्रिएट क्लासिक ट्विन। बैक जाते हैं, यहाँ पर इसको प्ले करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से अभी एनिमेशन दे रहा है। यहाँ पर जो इसका हैंड है ये इस साड़ी के ऊपर आ रहा है, तो इसके अंदर जाते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं। यहाँ पर ये इसको नीचे कर दिया है, तो हमें अगर हमने यहाँ पर चेंज किया है तो फर्स्ट कीपर भी इसको ऑल्ट के साथ रख देना है। यहाँ पर क्रिएट क्लासिक ट्विन कर देंगे। अब प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन देगा। ज़्यादा हमें इसके हैंड को मूव नहीं करना है, हल्का फुल्का इसे मूव करेंगे। अब इस वाले हैंड के अंदर भी जाते हैं, जितनी कीस हमने यहाँ पर लगाई है उतनी ही कीस हम इसके अंदर भी लगाएंगे। तो यहाँ पर 33 फ्रेम पर हम कीस लगाएंगे, फिर लगाएंगे 17 फ्रेम पर, फिर 25 पर और 9 पर। बैक जाते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट की से इसका जो हैंड है वो पीछे है, जो इसका हैंड है वो 17 फ्रेम पर आगे जा रहा है। तो इस वाली की पर हम इसके इस हैंड को आगे की तरफ कर देते हैं, ज़्यादा नहीं करना है, बस हल्का फुल्का कर देंगे। फिर यहाँ पर लगा देंगे क्रिएट क्लासिक ट्विन। बैक जाते हैं और यहाँ प्ले करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन देगी। यहाँ पर हम देखते हैं जब ये वॉल साइकिल करती है तो एक बार वॉल करने के बाद ये अपनी आई ब्लिंक करती है। अगर मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पर इसको प्ले करता हूँ तो जब ये जो अपनी वॉल साइकिल है वो कंप्लीट करेगी तो इसकी जो आई ब्लिंक है वो भी इसके साथ बार बार ब्लिंक करेगी। तो यहाँ पर हमें इसकी जो ब्लिंक है सिर्फ एक ही बार ही प्ले हो तो उसके लिए हमें इन सभी कीज को आगे रख देना है कॉपी करके। यहाँ पर सबको सेलेक्ट करते हैं, ऑल्ट के साथ आगे कर देते हैं, यहाँ पे रखेंगे, सिवाय हेड के किसी को भी हमें सिग्नोराइज नहीं करना है। यहाँ पर हेड की लेयर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे कर देते हैं सिग्नोराइज सिंबल्स। बैक जाते हैं और यहाँ पर प्ले करके देखते हैं, एक बार ब्लिंक करी, फिर काफ़ी टाइम बाद ये ब्लिंक करेगी। इसकी साड़ी की वॉल साइकिल देखते हैं तो ये अपनी साड़ी के साथ भी ये अपनी वॉल साइकिल क्रिएट करेगी। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की ट्यूटोरियल रेगुलर लाता रहूं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगर आप भी इस तरह का 2D एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो आप टून लर्निंग एनिमेशन मास्टर ट्रेनिंग क्लासेस को ज्वाइन करें। यहाँ आप मुझसे पर्सनली बहुत इजीली और डिटेलिंग के साथ फुल एनिमेशन सीख सकेंगे। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई देता हूँ। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।